खबर ग्वालियर से है, जहां सालों से बंद पड़ी जेसी मिल मजदूरों के भुगतान की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने हजीरा चौराहे पर सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने सरकार से जल्द मजदूरों के देनदारी का भुगतान करने की मांग की। प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं भाजपा मजदूर को वर्गलाकर वोट हासिल कर लेती है, लेकिन जब मजदूरों के हितों की बात आती है तो भाजपा केवल दिखावा करती है। उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि जो सालों से बंद पड़े मिल की जनप्रतिनिधियों ने सुख नहीं ली है। उन्होंने कहा कि शीघ्र मजदूरों के भुगतान करने का जो प्रस्ताव कैबिनेट में लंबित पड़ा है उसका निराकरण किया जाए। ग्वालियर से योगेश विसारिया की रिपोर्ट। हमारी मांग है कि आज लगभग 32 वर्ष हो गए जेसी मिल बंद हुए, और हमेशा भाजपा शासन आश्वासन देता है कि मजदूरों की देनदारी दी जाएंगी, मजदूरों की देनदारी दी जाएंगी। पूर्व में भी कई बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी कहा, और भी कई जो भी इनके नेता आए उन्होंने भी कहा। तो हमारी ये मांग है कि भाजपा शासन जल्दी से जल्दी मजदूरों की देनदारियों का भुगतान करें।